सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने लैपटॉप पे जो है वो YouTube चला सकते हो। ठीक है, तो YouTube किस तरीके से चलाना है दोस्तों, वो चीज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। ठीक है, सो गाइस देख सकते हो हमारे पास एक लैपटॉप है, इसमें हम YouTube किस तरीके से चलाएंगे वो चीज आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपके सभी के लैपटॉप्स में क्रोम ब्राउजर होता है, ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा क्रोम ब्राउजर है, तो इसे डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। अगर आपके में नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा क्रोम ब्राउजर है। सो आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर इसे खोल लेना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो हमने अपना क्रोम ब्राउजर खोल लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो अगर आपका कोई आईडी लॉगिन है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास 4-5 आईडी मेरे लॉगिन है। अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो आपको ऐड पर क्लिक करना है या फिर आप गेस्ट मोड पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास आईडी लॉगिन है तो कोई भी आईडी पर आपको चले जाना है। एंड आपको दोस्तों अगर आपका आईडी लॉगिन नहीं है तो आपको यूट्यूब कैसे चलाना है वो चीज भी आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च करना है यहाँ पर यूट्यूब। ठीक है, यहाँ से मैं यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आपको यूट्यूब पर चले जाना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हो इंटरनेट कनेक्ट नहीं है दोस्तों, तो हम इसमें सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आपको YouTube पर क्लिक करना है एंड दोस्तों सर्च हो जाएगा, आपको फर्स्ट वाले ही वेबसाइट पर आपको चले जाना है। ठीक है, एंड दोस्तों आपका जो है यहाँ पर देख सकते हो YouTube जो है वो खुल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, देन दोस्तों आप यहाँ पर आराम से कोई भी YouTube वीडियोस वगैरह देख सकते हो। तो देख सकते हो हमारा YouTube खुल गया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि गेस्ट मोड में आप कैसे देखोगे, तो यहाँ से मैं पूरा पीछे चले जाता हूँ दोस्तों, एक नया यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर से मैं यहाँ क्रोम खोलता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आपका कोई भी आईडी वगैरह लॉगिन नहीं है, यानी कि दोस्तों आप नॉर्मल इसी तरीके से देखते हो, आप अपना जीमेल आईडी वगैरह नहीं लॉगिन करवाना चाहते, तो नीचे यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि आपको एक गेस्ट मोड का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप जो भी सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च करना चाहता हूँ तो यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ से आपको एंटर पर प्रेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो यूट्यूब चलेगा दोस्तों वो गेस्ट मोड पे चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो अब आपका जो हिस्ट्री वगैरह भी होगा वो दोस्तों आपका नहीं बनेगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको अपना लैपटॉप पे, अपने लैपटॉप पे आपको यूट्यूब चलाना है। एंड दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नए वीडियो में, जय हिंद जय भारत।